हैं शराबबंदी अभियान के जरिए नीतीश कुमार अब मिशन 19 में जुट चुके हैं। बिहार से बाहर झारखंड में उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज भी कर दिया। धनबाद में नीतीश कुमार ने रघुवर सरकार पर तीखे हमले भी किए। शराबबंदी के जरिए अब नीतीश कुमार देश भर में सियासी रास्ता बनाने की कवायद कर रहे हैं, लिहाजा बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में पूर्ण शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार ने धनबाद की धरती से अभियान का आगाज किया। नीतीश कुमार के साथ जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल बरांडी भी मजबूती के साथ खड़े दिखे। अभियान का आगाज करते हुए नीतीश कुमार ने रघुवर सरकार को निशाने पर लिया। हमने चिट्ठी लिखा, रघुवर दास जी मदद कीजिए, बॉर्डर एरिया पर दोनों राज्य के जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो दोनों राज्य के जिले हैं उसके कलेक्टर और एसपी जरा संपर्क करें और गड़बड़ भंडार ना हो इसका ख्याल रखिए और इसके लिए मदद करिए। सरकार उत्पाद अंतर निषेध को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। हम लोगों को नहीं पता है कि क्या आवश्यक है। नीतीश यही नहीं रुके, नीतीश ने रघुवर सरकार पर सीमावर्ती इलाकों में शराब का कोटा बढ़ाने का भी आरोप लगाया। मिनिमम गारंटी कोटा यानी उस जिला में कम से कम उतना शराब दुकानों को बेचना है तो 14-15 में वृद्धि हुई पलामू में मात्र 2% की, 15-16 में वृद्धि हुई मात्र 2% की। और आपको मालूम है इस बार झारखंड सरकार ने पलामू का MGQ कितना प्रतिशत बढ़ाया है? इस बार झारखंड सरकार ने पलामू का MGQ वार्षिक कोटा 50% बढ़ा दिया। नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान में महिलाओं की भी पूरी भागीदारी दिखी। हमारे हाथ मजबूत हुए हैं कि ये जो ऐसा नीतीश कुमार जी हैं कि पूरा हिंदुस्तान के दिखा दिया कि देखो ये जो है कि भ्रष्टाचारी के जो जड़ है बहरन के है गुंडाई के है एक नशाही है। मेरे बच्चे हमारे पति के कमाई से अगर पढ़ाई नहीं किया रोड पर हम जो है हम छोका बर्तन का काम करते, हमारे पति हमको दो जूता मारता है, पैसा छीन के दारू पी के आके घर में आंदोलन करता है, क्यों करेगा? इसलिए सरकार दारू बंद करे। जाहिर है झारखंड में जेडीयू की जमीन तैयार करने के साथ साथ नीतीश कुमार शराबबंदी को बतौर ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर राष्ट्रीय फलक पर उतरने की पूरी कोशिश में है। नीतीश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद।